मिथिला राज्य बनाने वाले हमारे साथी एवं पत्रकार बंधुओं, उपस्थित साथियों, दो तीन दिन पहले डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी हमरा से मिलल। हम आयल रही थी हम द्वारका में, पहले हम निवास रहे नर्स बनू तो तीन चार महीना से टूट रहा है, हम चल गलों अखन द्वारका में रहे। टेलीफोन क्या के प्रथम बार हिंदा से परिचय पात्र भेल, हमरा कहलक अजका नाम कि 15 तारीख के 11 बजे से कार्यक्रम से यहाँ आऊँ। हमरा आबू में विलम्ब भेल, जाम उम बहुत रहे थे, आबू में विलम्ब भेल। सबसे पहले सुन लिया हमरा सब को रहते लोकसभा में हम जब रही तब झारखंड राज्य हमरा सब के सामने बनल, वहाँ से पहले मिथिला राज्य के बहुत पहले से नाम सुनने से हमरा सब बच्चे रहिए वह समय। तो आज तक के इतिहास से हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान के इतिहास है, बिना संघर्ष से आज तक ककरो ने किस मिल रही है सुन लिया। आज हम इतने जब यहाँ सबके बीच में खार भाग दू शब्द बोल रहा थी, अगर जयप्रकाश बाबू का आंदोलन नहीं होती है, हम एक किसान के बेटा 5 बार MP हम नहीं बनते। हम लोग लगभग दर्जनों फिर हम जेल गए, मार खेलों गए, अररिया पूर्णिया भागलपुर सब जेल गए। जेले में विचार भले कि फलना आदमी के फलना आदमी से लड़ाई जाती जीत। उस समय में हमारा सबके गार्जियन रहे कुमर लाल बैठा जी अररिया से MP रहे, उतरे से हमारा कल के यहाँ के लड़े पड़त, उतरे से हम लड़लू नवासी में और नवासी से लाकर 2009 तक हम MP रहूँ। ऊपर वाला कृपा से अखनू हम रहते, लेकिन दुर्भाग्य कहियो या जे कहियो डिलिमिटेशन में क्षेत्र चेंज भै गए, वो भै गए जनरल क्षेत्र, तखन हम ओत से नहीं छी, अखन हम एक सामाजिक कार्यकर्ता। यहाँ सबके हम जानकारी दे दी जो हम जयप्रकाश बाबू का आंदोलन से निकल रहा हूँ, MP बन रहा हूँ। हम देखलिए कि ये जयप्रकाश के बाबू का आंदोलन में जेल गए ओकरा क्यों पूछे वाला नहीं, मुख्यमंत्री ओकरे, उप मुख्यमंत्री ओकरे, नेता विधानसभा के ओकरे क्यों नाम नहीं ले वाला। तो बिहार में कि हम ही फर्स्ट आदमी थी कि जयप्रकाश नाम से एक संगठन चला के, जब लोकनायक जयप्रकाश स्वतंत्रता सेनानी संगठन चला के धरना प्रदर्शन कह के पूरे बिहार में नीतीश कुमार से ओकरा से मान्यता ले लूँ, और अभी लगभग 3000 आदमी के पेंशन मिले छे, जे हिंसा में रहले डीआई आदमी रहले लगभग 3000 आदमी के पेंशन मिले छे, 5000 से 10000। तो यहाँ सबके जे मांग ये जे कहबे साधारण रूप में नहीं मिलत, बहुत सैक्रिफाइस करे पड़े। तो हिंदुस्ताने आजाद होने पड़े ये सब जनबे करिए, सब बुद्धिजीवी आदमी सब विद्वान आदमी कते के में लोग शहीद भले, इसमें की लोग ने सह पड़े, सब देश आजाद भले। ये मिथिलांचल राज हमरा डॉक्टर सुमंदर पाठक जी से गौप भेल, उनका से मुझे कुछ जानकारी मिलल, उनका कहना भले कि हमरा सब रथ निकालू, बिल्कुल बड़ी बड़ नीक बात रथ निकालू, लेकिन रथ निकाले से पहले हमारे कुछ सुझाव ये कि रथ जो निकल तो ओकर स्वागत के करत जिला में। तो पहले यहाँ के जिला 18 जिला जो है 18 जिला में मिथिला संघर्ष समिति के संगठन करू, और सब जिला में बढ़िया से संगठन भै के, सब जिला में अगर संगठन भै जाए, संगठन मजबूत हुआ तो रथ निकालू, तो लोग के लोग स्वागतो करते, 1500 आदमी जाके रथ लेके मिथिला राज्य बनने वाला रथ ले निकल ले चलो स्वागत कर।
तो बिना संघर्ष से कुछ नहीं मिला। हम बहुत पूर्व वक्ता भी नोटनी के बात बोलल, उसमें कहल कि बहुत लोग के लोह बना दे, मंत्री बना दिलक, कुछ एम पी बना दिलक। तब यहाँ सबके कृपा से 5 बार हम एम पी भैये गए हैं। अब हमरा सबके कोनो बाते नहीं है, जते हमरा सबके कह दिया कि फल्ला जगह कार्यक्रम भै रहा है, लेकिन हम उस विषय में हमरा से कुछ जानकारी ले ली। हम कनी मनी कैटा संगठन चलबे छी, व्यस्त रहे छी, ओहिमे हमरा कनी कुछ लेब तो निश्चित रूप से हम अगर कतौ 18 जिला में या पटना या दिल्ली में कतौ कोनो कार्यक्रम है तो निश्चित रूप से उस कार्यक्रम में हम भाग लेब। हम चाहे छी हम पूरा समय किया कि हम देखै छी, हम बचपने से रही बहुत नेता भले मिथिला राज्य के 18 जिला से, लेकिन जे रूप में विकास होना चाहिए वो रूप में विकास नहीं भले। हम नहीं भूल सको ललित बाबू के, कि ललित बाबू नहीं रहती है तो ट्रेन वाला जो स्थिति रहले, जो 1934 के भूकंप में टूट गए रहे, सर निर्मली वाला मल्ली दरभंगा वाला, उनके प्रयास से 74 में बन ले गए। और ओकर बाद मिथिला यूनिवर्सिटी तो बहुत पहले से रहे, बाद में मधेपुरा बन ले। एक भी उद्योग नहीं थे, जो भी उद्योग रहे, जूट मिल चाहे कटिहार हुए या बनमनखी हुए, चीनी मिल, सब मृत प्राय है कि वो में देखे वाला नहीं। तो निश्चित रूप से कना 18 जिला जब तक मांग नहीं, जब तक मिथिला राज नहीं बनत, ये बात निश्चित है, तब तक ये 18 जिला के मिथिला राज के उद्धार नहीं होला या विकास नहीं होला। जे जतुका पर नहीं है वो अपन इलाका में लग गए, फलना ये 18 जिला छोड़ के प्रयास सब जिला में उम्हर बहुत कुछ बन रही है, ओते तो किछ नहीं है। तो कही धन्यवाद कहियो कि हमरा सब एम पी रही दिनेश चंद यादव, हुकुमदेव यादव और बहुत मित्र सबके प्रयास से जो फोर लेन जो बन रही है ना नहीं बन रहे। ये राजीव गांधी के प्रोग्राम में रहे, यहाँ से वो बता दी, पर राजीव गांधी के बिहार के प्रोग्राम में निकलने रही लिस्ट कि 24 वर्ष से दरभंगा जो डैमेज भले रहे पूर्व में, तो ओकरा मिसिंग लेन कहल के 24 वर्ष से दरभंगा मिसिंग लेन के एकरा केहनो को जोड़ल जाए। हम एमपी रही, हम चाहत रही कि हमर जिला अररिया और सुपौल जिला के दूटा जिला पड़ित रहे अररिया लोकसभा में, तो सुपौल जिला के जाए खातिर हमरा सोचे पड़े, जाए पड़े बैरेज के बगल बाटे, हमरा जाए पड़े सुपौल सहरसा जाए पड़े मीटिंग में हमर क्षेत्र में। तो हम चाहत रही कि हमें कहीं जुड़ जाए, और एम पी ओ लाइट से हम प्रयास करिए, लेकिन एम पी लाइट से बाढ़ वाला इलाका में की है तो बना दिए जुट जाए। तो हम धन्यवाद दीजिए आइयो कि देव होरा जी के, कि देव होरा जी प्रधानमंत्री रहले, तो ये एन एच में स्वीकृति भले 24 दिन से दरभंगा 57 जरा कहें एन एच 57, और माननीय सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिजीव में एक सुपर एक्सप्रेस हाईवे बनले फोर लेन, जे अखन हमरा सबके 1.5 घंटा 2 घंटा लागे 24 गज से दरभंगा पहुँचे में, आराम से 1.5 घंटा 2 घंटा में हम लोग दरभंगा मुजफ्फरपुर पहुँच जाए छी, नहीं तो बरौनी बाटा लोग को सोच के जाए पड़े आई जाए छी तो काल पहुँचो दरभंगा। खातिर निश्चित रूप से विकास हुए, आ विकास बगैर संघर्ष से कुछ नहीं मिले वाला से आज तक इतिहासे रहें, बिना संघर्ष से ककरो कुछ नहीं मिले। एक खातिर निश्चित रूप से एक जनाए मीटिंग करे छे, हमर सबके सामने में हमर विचार रहा।